हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी पर कोकोनट के लड्डू। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं, जो बिल्कुल हेल्दी है, जो हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, फैमिली के हर एक मेंबर को पसंद आते हैं। ये हमें चाहिए सूखा नारियल कद्दूकश किया हुआ, इसका छिलका उतार के मैंने इसे कद्दूकश कर लिया है, और छोटी कटोरी सूखा दूध, और मैंने अमूल का यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा होता है, और साथ ही एक कटोरी दूध, और ये गाय का देसी घी, ये मैंने घर में निकाला है। और साथ ही हमें चाहिए चीनी और कुछ गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ और दो इलायची। अब हम इसे पीस लेंगे जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। ये चीनी को हमने पीस लिया, ये पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसी के साथ इलायची और गुलाब की पंखुड़ियाँ भी पीस गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले डालेंगे घी, थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें ऐड करेंगे कोकोनट, और इसको स्लो स्लो भूनेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं होने देना, इस तरीके से हमें भूनना है थोड़ी देर। सेक हमेशा मीडियम ही रखना है। आप कोकोनट बर्फी बनाते वक्त देसी घी या बटर ही यूज़ करना, रिफाइंड यूज़ नहीं करना। ये देखिए फ्रेंड, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिल्क, ये फ्रेश मिल्क है। साथ ही ऐड करेंगे मिल्क पाउडर और अच्छे से मिलाएंगे मिक्सचर को। खुशबू तो बहुत यमी यमी आ रही है, मीठी मीठी। फिर इसमें ऐड करेंगे शुगर जो हमने पीस ली थी। इसका कलर देखो, थोड़ा सा पिंकिश आ गया है क्योंकि हमने इसमें रोज़ पेटल मिक्स किया था। ये देखो, इसके अंदर हमें कोई फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसका कलर पिंक हो गया। ये बॉडी के लिए हाइजीनिक भी है, एक कोरोना काल में जो आजकल चल रहा है उसमें ये हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें कुछ आर्टिफिशियल ऐड नहीं किया है। बस इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और इसे ठंडा करने के लिए, ज़्यादा ठंडा नहीं करना क्योंकि गर्म गर्म ही लड्डू अच्छे बनेंगे। आपकी मर्जी, आप लड्डू बनाओ या बर्फी बनाओ। इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक में हम बीटरूट पाउडर मिलाएंगे, तो अब इसे हम सेट करते हैं। बीटरूट पाउडर मिलाया है, वो होममेड है। बीटरूट को कद्दूकश करके सुखाना है, फिर उसे मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इस तरीके से हमें दो लेयर बनानी है बर्फी के लिए। आप चाहे तो लड्डू भी बना सकते हैं। तो मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ इसे कैसे सेट करना है। इस तरीके से हैंड का यूज़ करना होगा। इस पे हल्का हल्का वो डाल देना है। आप चाहें तो इस पे चांदी का वक्र भी लगा सकते हैं। अब इस पे थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए ये जो हमने भूरा बनाया था कोकोनट का, वो डालना है। आप चाहें तो इस पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। जो मेरे पास मिक्सचर बचा था मैंने उसे लड्डू फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है इस तरीके से। ये सारे लड्डू बन के तैयार है, इनसे तरीके से कोटिंग कर लेंगे। लड्डू और बर्फी बन के तैयार है, तो मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी।